जिज्ञासा के माध्यम से खुशी लेट्स टीआरएस क्लिप्स हिंदी हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बताइए टर्निंग पॉइंट के बारे में बताइए तो आप कह रहे हो कि अगले साल एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है तो मेंटालिटी क्या होनी चाहिए और एक्शनेबल्स क्या होने चाहिए किसी ट्रेडर के <laughs> बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने अभी-अभी ट्रेडिंग अभी स्टार्ट की है जस्ट कीप दैट इन माइंड एज वेल सो आई थिंक जो Mentality, as I said, you have to go back to the basic fundamental. Ki, even if you are a college student, you know when I, mean, I started, I was not even a college. I was in school. First few years, I struggled because I was trading with a uh, with a mindset of uh, that. casual mindset. But when I changed mindset, my I am going to make sure that I am going to be successful and I am going to make sure that all the ingredients that I have in my business are correct. एंड वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से फिर देन आई आई स्टार्टड मेकिंग मनी एंड आई स्टार्टड मेकिंग राइट ट्रेड राइट सो सो ऑन एंड डिसीजनस तो अगर आप दो हज़ार तेईस चौबीस में तेईस में हो अगर आप यंग कॉलेज स्टूडेंट हो या आप ओल्ड हो यू गॉट टू मेक श्योर दैट अगर अब तक आपके पास जो सक्सेस के इंग्रीडियंट्स नहीं है जैसे अगर आपके पास कोई स्ट्रैटी नहीं है आपके पास कोई एंट्री पॉइंट्स नहीं है एग्जिट पॉइंट्स नहीं है यू डोंट हैव अ प्लान यू जस्ट रैंडमली किसी ने ट्रेन में सुना ये लेते ले तो ले लिया किसी नेबर uh, ने बताया वो स्टॉक ले लो ले लिया अगर आप रैंडम बिहेवियर कर रहे हो तो आई थिंक दिस टफ़ टाइम इज़ एक्चुअली अ टाइम फॉर यू टू गेट योर एक्ट टुगेदर यू मेक श्योर दैट यू बिल्ड योर प्लान सो दैट यू डोंट हैव टू यू आर नॉट लिविंग ऑन बॉर्वर्ड कन्विक्शन अदरवाइज़ क्या बार आपने ट्रेन में से किसी से टिप ले सुन लिया नेबर से ले ली उनकी कन्विक्शन क्या है आपको पता नहीं गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब क्या स्पेसिफिकली <laughs> सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिल्ड अ स्ट्रैटी ओके सो स्ट्रैटेजी में क्या जाता है कि मैं हर स्ट्रैटेजी में एक बाय सिग्नल होता है और एक सेल सिग्नल होता है अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आप एक माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि अगर ए बी सी डी चीज होगी तो ही मैं स्टॉक खरीदूंगा और अगर पी क्यू आर चीज़ें हुई तो मैं बेच दूंगा एंड दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रैटी कि दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ट वर्क्स फॉर यू वट आर द कांड ऑफ बिजनेसिस दैट और वट आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स और एनी थिंग दैट यू शुड ट्रेड तो वट विल बी योर एंट्री सिग्नल व्हाट विल बी योर एग्जिट सिग्नल दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रैटेजी देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है इसमें आपका नंबर्स कैसे दिखेंगे सो यू लैव टू हैव ऐसा नहीं होगा कि यू गो बी राइट इन ऑल द टाइम एक्चुअली ये एक बहुत काउंटर इंटरेटिव चीज़ है जो ट्रेडिंग में काम आती है बट दूसरी दुनिया इन अदर पार्ट्स इन अदर बिजनेस डजन वर्क सो लेट मी गिव यू एन एनोलॉजी ऑफ ऑफ अ बिजनेस अगर आप आपने एक बिज़नेस स्टोर करी ओपन किया आपने लेट से यू ओपन अ क्लोदिंग स्टोर आपने क्लोदिंग स्टोर ओपन किया यूजली हमको क्या सिखाया गया है विन यू नो फ्रॉम आर जनरेशन की कि अगर आप कोई सौ रुपये में किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो तो चार सौ पाँच सौ रुपये आपका रिटेल दुकान में उसको प्राइस करो और यू विल मेक थ्री फोर हंड्रेड और बाकी ओवर हेड्स काट के आप पैसे बनाओगे तो जनरली वी ट्राई एंड मेक श्योर दैट हम हर सेल पे थोड़ा पैसा तो थो बनाए बट ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता है इन ट्रेडिंग यू विल बी राइट ओनली फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम्स इवन इन इन्वेस्टिंग फॉर दैट मैटर आप सिर्फ पचास साठ टाइम ही सही हो बाकी टाइम तो आप गलत होगे तो यू हैव टू मेक योर माइंड सेट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि मुझे राइट नहीं रहना है आई वॉन्ट टू मेक आई एम सक्सेसफुल एट एन एग्रीगेट लेवल सो इफ़ यू सी सम द लार्जेस्ट रिटेलर्स द राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस आपने अगर सौ टी शर्ट खरीदी है आपके स्टोर में और आप उसको पाँच सौ रुपये पे प्राइस करते हो और आपने सौ रुपये में ली थी आप हर सौ की सौ टी शर्ट पाँच सौ में नहीं बेच पाओगे hmm. आप शायद पचास टी, टी शर्ट पाँच सौ में बेचोगे और फिर पचास आपको डिस्काउंट करनी पचास टके पे साठ टके पे कुछ दो सौ में जाएगी कोई ढाई सौ में जाएगी और नेट नेट आपका फिर भी पैसा बन जाएगा यू कैन नॉट बी फिक्सेटेड कि नहीं मैं सारी की सारी टी शर्ट पाँच सौ में ही बेचूंगा और मैं हंड्रेड परसेंट स्ट्राइक रेट रखूंगा हर लेवल uh, पे वैसा ट्रेडिंग में नहीं होगा hmm. तो वाइल यू बिल्ड योर प्लान वाइल यू बिल्ड योर एंट्री सिग्नल वैल यू बिल्ड योर एग्जिट सिग्नल यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मोटा मोटी कितने टाइम में राइट जाऊँगा कितने टाइम में रॉन्ग राँग रहूंगा और उसके बेसिस पे हाउ वी लाइक कीप दी अदर एलिमेंट्स ऑफ माई स्ट्रैटेजी हाँ ओके दोस्तों टी आर एस कि हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द